brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. पहली बार कांग्रेस को बाहर से लाकर उम्मीदवार को लड़ाना पड़ा और ऐसा उम्मीदवार जो कभी पहले मंदसौर संसदीय क्षेत्र में नहीं आया। तो पहले तो क्या है कि भारी उम्मीदवार के कारण स्थानीय कांग्रेस संगठन चाहे कोई भी हो, कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है तो स्थानीय संगठन का मनोबल डाउन होता है और इस संसदीय क्षेत्र में परंपरागत मतदाताओं की संख्या बड़ी तादाद में है तो चुनाव तो वैसे ही यहाँ जो है संघर्षपूर्ण हो जाता है। पर कांग्रेस ने जो हथियार डाले हैं, मतलब एक प्रकार चुनाव में लोगों को ऐसा लगा कि ये केवल औपचारिकता निभा रहे हैं। भी आप देखेंगे कि मंदसौर विधानसभा में एकमात्र ऐसी विधानसभा है जहाँ से कांग्रेस पूरे 8 में से एक जीती है। तो ये समझने वाली बात है कि जिस कांग्रेस का माहौल 4 महीने पहले इस विधानसभा में था तो वो 4 महीने बाद इस विधानसभा में क्यों नहीं दिखा, वो कार्यकर्ता वो माहौल कहाँ गया। आज हम मीडिया के इन लोगों से बात करेंगे, मंदसौर जिले के जो खास मीडिया के लोग हैं उनसे बात करेंगे मीडिया से कि उन्होंने क्या एनालिसिस किया कल। राणा जी, जी सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि जो कल चुनाव देखे आपने जी और मंदसौर जिले को लेकर, चुनाव को लेकर और जो परिदृश्य आगे बनना है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए चुनाव की बात जहाँ तक है, मंदसौर संसदीय क्षेत्र में जो कड़ी टक्कर देखने को मिलनी चाहिए थी वो कड़ी टक्कर कांग्रेस और भाजपा के बीच मिली नहीं है। यहाँ बहुत सहजता से देखा गया जो 74% वोटिज हुए, इसका मतलब ये है कि वोटा परसेंटेज भले 2019 से कम है लेकिन ठीक ठाक प्रतिशत है जो इन परिस्थितियों में है। और इससे जहाँ हमने जो चुनाव परिदृश्य देखा कांग्रेस में वो जो उत्साह जो पिछले चुनाव में देखने को मिला वो इस बार कांग्रेस चुनाव में उत्साह देखने को मिला नहीं। तो ऐसे में लगता नहीं है कि बराबर की कड़ी टक्कर के साथ में या कोई परिणाम बड़ी कड़ी टक्कर वाले या प्रत्याशित आएंगे। बहुत सहज में ये लग रहा है कि चुनाव परिणाम 2019 के ही पुनरावृत्ति होगी। शायद जी आपसे जानना चाहूँगा कि जो चुनाव में जो हुआ है, जो भी आपने देखा है उसको लेकर क्या कहेंगे? चुनावी परिदृश्य को लेकर तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह का माहौल होना चाहिए था और जिस तरह से चुनाव में जो आमने सामने प्रतिद्वंद्वी होते हैं, जो माहौल बनता है चौराहों पर, गलियों में, मोहल्लों में जो पोस्टरबाजियाँ होती है, अनाउंसमेंट वगैरह के माध्यम से प्रचार प्रसार चलता है, तो ऐसा लगा नहीं कि इतना अच्छा चुनाव हो रहा है। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से मैं राणा जी की बात का समर्थन करूँगा कि एक तरफा चुनाव में देखने को मिला है, चूँकि मैं साफ तौर पर स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि मोदी चेहरा कहीं ना कहीं काम आया है और भारी उम्मीदवार जो मंदसौर में देखने को मिला है आम लोगों को, शायद वो भी एक फैक्टर आम लोगों में चला है। और साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत दर्ज कर लेगी, हालांकि मतों का अंतर पहले 2019 में जो हुआ था उसमें अभी इस वक्त आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से हमने रुझान देखे हैं कहीं ना कहीं मौसम का भी इफेक्ट रहा है। दूसरा, जो 4 दिन से खंडवार वर्षा हो रही थी, बरसात हो रही थी, ओले गिरे हैं, आंधियाँ आई हैं, तो शाम के वक्त में कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत जो था, जो आगे बढ़ना था, 75 के लगभग रहा है, तो उसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट देखने को मिला है। जी अजय, आपसे जानना चाहूँगा कि जो चुनाव को देखते हुए आप क्या अपनी राय रखना चाहेंगे? देखिए, एक तो ये है कि कांग्रेस प्रत्याशी का जब पहले काफ़ी लेट इन्होंने घोषित यहाँ से प्रत्याशी किया, दिलीप सिंह गुर्जर का नाम का ऐलान होने के बाद भी अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए आदमी 5 दिन बाद आ रहा है, टिकट ऐलान होने के 5 दिन बाद आ रहा है, जबकि इतना बड़ा क्षेत्र है, उसे पता है कि मैं बाहरी हूँ, मुझे माहौल बनाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, पार्टी के नेताओं को जोड़ना पड़ेगा, जबकि कांग्रेस यहाँ टूटी हुई है, गुटबाजी में है। बावजूद उसके अगर वो शुरू में ही 5 दिन लेट अगर संसदीय क्षेत्र में आ रहा है तो उससे ये तो समझ में आ गया था कि कांग्रेस इस क्षेत्र में वो टक्कर तो नहीं दे पाएगी। दूसरी बात है कि मीनाक्षी नटराजन जैसा बड़ा नाम कांग्रेस के पास था, हालांकि वो 2 चुनाव हारी हुई थी लेकिन फिर भी वो यहाँ प्रचार कर रही थी और उन्होंने खुद ही नाम वापस दिया, या वो लड़ना नहीं चाह रही थी या पार्टी उन्हें टिकट नहीं देना चाह रही थी, ये तो पार्टी की बात है। लेकिन दिलीप सिंह गुर्जर पहले ही बाहरी नाम थे यहाँ के लिए। दूसरा, जो जातिगत समीकरण कांग्रेस सोच रही थी कि गुर्जर होने का फायदा उनको मिलेगा, तो ऐसा यहाँ पे मुश्किल लग रहा है। कारण ये भी था कि जैसा मैंने कहा कि 1 महीने से भी कम का समय उनके पास था। दूसरी बात यह है कि मतदान की बात करें, मतदान प्रतिशत में जरूर इस बार कम हुआ है लेकिन अगर अंकों में देखेंगे तो लगभग 50 से 55 हज़ार वोट इस बार ज़्यादा डले हैं। तो ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि बीजेपी मैनेजमेंट की जो स्थिति यहाँ पर हर चुनाव की रही है, बीजेपी के 2 बार के जीते हुए सांसद हैं, उन्हें ये अच्छी तरह से पता थी कि कौन उनके खिलाफ है, कौन उनके पास है, पार्टी में इनकम्बेंसी क्या है, ये सारी चीज़ों का आइडिया सुधीर गुप्ता को पहले से ही था और बाहरी उम्मीदवार होने से उनका काम थोड़ा आसान हो गया। ओवरऑल ये कहा जाए तो जो 3,75,000 की जीत सुधीर गुप्ता की है, इस बार भी जीत लगभग उसके 20-25 हज़ार वोट कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन माना जाता है बीजेपी यहाँ से भारी है। क्या कहेंगे आप चुनाव को लेकर? मंदसौर संसदीय क्षेत्र का चुनावी इतिहास 73 साल का हो गया है।
73 साल के इतिहास के अंदर पहली बार कांग्रेस को बाहर से लाकर उम्मीदवार को लड़ाना पड़ा है, और ऐसा उम्मीदवार जो कभी पहले मंदसौर संसदीय क्षेत्र में नहीं आया। तो पहले तो क्या है कि भारी उम्मीदवार के कारण स्थानीय कांग्रेस संगठन, चाहे कोई भी हो, कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है तो स्थानीय संगठन का मनोबल डाउन होता है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी संगठन से चुनाव जीतती आई है और उनका संगठन पोलिंग बूथ तक मजबूत होता है। उनके ऊपर जिला, जिले के ऊपर प्रदेश, प्रदेश के ऊपर राष्ट्र, वो पूरी निगरानी करता है। भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया भी मजबूत है। रही बात 2009 में मीनाक्षी नटराजन के चुनाव लड़ने की, 30 साल के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने के डॉक्टर लक्ष्मीनारायण जी पांडे, जो हम बचपन से उन्हें देखते आए, 8 चुनाव जीते, 12 चुनाव संसदीय क्षेत्र में हुए हैं, 5 बार कांग्रेस विजय रही है और 12 बार भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में सारे ऐतिहासिक आकलनों को देखें तो 1984 में 71% मतदान होने के बाद, मीनाक्षी जी के समय 53-59 के आसपास मतदान हुआ था, 59% के, उसके बाद 70-70%, 75-75% जो मतदान हुआ वो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मदद करता रहा। अभी भी जो मतदान हुआ है कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही होगा। उसके पीछे में मेरा कोई पक्ष नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन इनका जो नेटवर्क है, जैसा कहा जा रहा था ऊपर से, अपन जब उस दिशा से चल रहे थे ग्वालियर और उधर से चौथे चरण की तरफ मध्य प्रदेश के, तो लग रहा था कि मतदान कम होगा, लेकिन मालवा ने वो सारे मिथक तोड़ दिए। मालवा अंचल में अच्छा मतदान हुआ और मतदाताओं ने अच्छा मतदान किया, इसके कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम भी परिलक्षित हो रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी का हो। महावीर जी, आप क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर, मतदाताओं को लेकर और जो प्रत्याशी खड़े हुए थे जी, क्या नया? जी आकाश जी, जैसा कि मेरे सभी साथी मित्रों ने कहा कि ये बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस के पास इस बार भी उम्मीदवार को लेकर काफी पेशोपेश की स्थिति थी। जब लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ था उसके बाद, पहले तो स्थानीय लोगों से उनने संपर्क किया लेकिन उनको उम्मीदवार नहीं मिला। आखिरकार उनको बाहर से उम्मीदवार, नागदा के हारे हुए विधायक को लाके यहाँ पर उम्मीदवार बनाना पड़ा। उम्मीदवार बनाने के बाद कांग्रेस किसी भी पल ऐसा उत्साह या ऐसा कहीं टेम्पो बनाते हुए नहीं दिखी कि वो कहीं नजर आई हो, या हालांकि उनने जातिवाद का एक कार्ड खेला था पिछड़ा वर्ग का, गुज्जर समाज के दिलीप गुज्जर को उन्होंने वोट दिया तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो धनगर गायरी और गुज्जर गायरी जो वोट है उनको साध लेंगे, पर मुझे नहीं लगता है कि वो अपने इस ट्रम्प कार्ड में पास हुई है, पहला कारण। दूसरा, वोटिंग ऑफ परसेंटेज, जैसे सभी ने कहा है कि वोटिंग ऑफ परसेंटेज जो है वो वाकई में जो देखा जा रहा था कि 55% से अभाव हो ही नहीं रहा था, जैसे मध्य प्रदेश की बाकी सीटों पे जो इससे पहले मतदान हुआ हमने देखा 55-56-57 बस इसके आजू बाजू ही रहा, लेकिन मालवा में इसके लिए निश्चित तौर पर मतदाता बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और उतनी बधाई के बाद मीडियाकर्मी और प्रशासन भी है कि उन्होंने निरंतर मतदाताओं को जागरूक किया। और खास करके बीजेपी संगठन, जैसे हम शुरू से कहते आए कि बीजेपी जो चुनाव जीतती है उसका सीधा सा फंडा है कि उनके पास संगठन इतना मजबूत है कि चाहे वो बूथ ले लो आप या उससे ऊपर का कार्यकर्ता ले लो या पदाधिकारी ले लो, हर व्यक्ति मतदाताओं को के पास पहुंचने की ताकत रखता है। कल भी हमने देखा, जैसे मैं भी फील्ड में रिपोर्टिंग करने गया था तो कल मैंने देखा कि उनका जो पार्षद है, जो पर्टिकुलर वार्ड का पार्षद है, वो वहीं बैठा हुआ है, उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। वो उसको ये टारगेट दिया गया था केवल आपको आपके वार्ड के बोर्ड पूरी तरीके से डलवाना है, जो करने में लगभग बीजेपी बहुत ही कामयाब रही है। वोट ऑफ परसेंटेज हम देख लें तो बीजेपी के पक्ष में, माहौल देख लें तो बीजेपी के पक्ष में, और मोदी मैजिक तो है ही है, वो तो मोदी मैजिक तो है ही है। इसीलिए यही कारण है कि दो बार के सांसद हमारे सुधीर जी गुप्ता हैं, निश्चित तौर पर दो बार जब कोई सांसद रहता है तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी रहती है, लेकिन इसका भी लाभ कांग्रेस नहीं उठा पाई है। सबसे पहली बात तो नया प्रत्याशी था तो निश्चित तौर पर वो लाभ मिला नहीं, लोग वो अपनी बात नहीं समझा पाए या लोग उनकी बात नहीं समझ पाए या वो लोगों तक नहीं पहुंच पाए बराबर, क्योंकि उनके लिए पूरा संसदीय क्षेत्र नया था तो पूरा तरीके से संसदीय क्षेत्र मेरे हिसाब से नहीं घूम पाया। इसके अलावा कांग्रेस की फूट भी समय समय पर उजागर हुई है, जैसे हमने देखा कि जावरा में कांग्रेस के प्रभारी जो थे गुजर, उनके और चंद्रावत जी के खिलाफ एक ऑडियो वायरल हुआ, दोनों के बीच जो बातचीत हुई उसमें जो वार्तालाप हुआ, अश्लील वार्तालाप हुआ या गली गलोच तक पहुंचा हुआ वार्तालाप, ऐसी चीजें, ये तो कुछ चीजें जो ऑडियो वायरल हुए, ऐसी कई अंदरूनी चीजें भी जो भयंकर फूट थी इनमें, और खास करके कांग्रेस का संगठन वो कहीं दिखाई नहीं दिया। उनने चाहे कितनी मेहनत करी हो, कहीं भी करी हो, क्योंकि
दूसरी और सबसे बड़ी बात, जिस प्रत्याशी को कांग्रेस मैदान में लाई थी वो जब उनसे उन्होंने पीसी करी और पत्रकारों से चर्चा करी तो उन्होंने वहीं हथियार डाल दिए थे। उन्होंने कहा कि मोदी मैजिक है, ये है, तो उनका मनोबल वहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज लग रही थी कि कहीं ना कहीं ये चुनाव में अब नहीं है और वहीं से जीत का मार प्रशस्त हो गया। अग्रवाल जी, आप बड़े वरिष्ठ हैं यहाँ के, और आपसे जानना चाहूंगा कि जो बात यदि की जाए चुनाव की, तो आप इस चुनाव को नए परिदृश्य में किस तरह से देखते हैं या क्या आपने उसमें नई चीज उसमें पाई? चुनाव में जिस प्रकार मंदसौर संसदीय क्षेत्र में बीजेपी कांग्रेस के बीच जो संघर्ष होता है वो इस बार देखने को नहीं मिला। कांग्रेस इस प्रकार की स्थिति में लगी कि वो चुनाव जो है केवल औपचारिकता के लिए लड़ रही है। भारी उम्मीदवार का जहाँ तक सवाल है, यहाँ भारी उम्मीदवार आए हैं, चुनाव लड़े हैं, स्वतंत्र कुमार सोठा जी कलकत्ता से आके यहाँ लड़ा है, महेंद्र जी भी लड़े हैं सब, पर लड़ाई उनने जो चुनाव की लड़ी वो पूरी ताकत के साथ लड़ी। महेंद्र जी मात्र 6,500 से हारे थे शायद, स्वतंत्र कुमार कोठारी तो जनसंघ से लड़े, चुनाव जीते भी है वो। और इस संसदीय क्षेत्र में परंपरागत मतदाताओं की संख्या बड़ी तादाद में है, तो चुनाव तो वैसे ही यहाँ जो है संघर्षपूर्ण हो जाता है, पर कांग्रेस ने जो हथियार डाले, मतलब एक प्रकार चुनाव में लोगों को ऐसा लगा कि ये केवल औपचारिकता निभा रहे हैं, कि जब आपको लगा कि भाई उम्मीदवार यहाँ इस प्रकार से बीजेपी ने दिया है, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ाई हो रही है, तो कोई राष्ट्रीय नेता प्रचार के लिए आ जाते, या जिस प्रकार का उनको बीजेपी वालों को मालूम था कि ये सीट हम जीत रहे हैं, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री दो दो तीन तीन बार आए, शिवराज सिंह जी खुद आए यहाँ, तो लगातार यहाँ एक एक विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार गए हैं वो, उनको मालूम होते हुए कि हम चुनाव जीत रहे हैं, हवा हमारे पक्ष में चल रही है, उसके बाद भी उन्होंने चुनाव को चुनाव की तरह से लिया है। सुधीर गुप्ता ने भी अपने 10 साल के कार्यकाल में सहनशीलता, शालीनता, लोकप्रियता को बनाए रखा, लोगों से संपर्क बनाए रखे, तो एंटी इनकम्बेंसी की जो बात हो रही थी तो वो चुनाव आते आते ऐसा लग रहा था कि ये मुद्दा जो है डाउन हो गया है, क्या सुधीर जी ऊपर हो गए हैं, और वो सिर्फ कांग्रेस के जो चुनाव प्रचार के जो तरीके रहे उसके कारण रहा है सिर्फ, क्योंकि एक समय था कि चुनाव प्रचार भारी शोरगुल के बीच पूरे चौराहे, गली मोहल्ले, पोस्टर, बैनर, बिल्ले इससे पड़ जाते थे, माइक के शोरगुल की एक दूसरे की आवाज़ ऐसी होती थी कि लोग बाग सोचते थे कब बंद होगा ये, कान फाड़ू माहौल रहता था गली मोहल्ले तक में, चौराहे पर एक दूसरे के आमने सामने माइक लग जाते थे। वैसा चुनाव कम से कम चुनाव आयोग ने नहीं किया है, धीरे धीरे करके और उसमें शक्ति आती जा रही है, और लोगों को भी अच्छा लग रहा है कि उनको केवल अब मतदान करने जाना है, कोई लोग ये मांगने पर, पहले जो था कि भाई गांव में अगर गाड़ी जा रही है चुनाव प्रचार के लिए उम्मीदवार जा रहा है तो आधी गाड़ी वो बिल्ले से, बैनर से, इनसे भर के ले जाता था, क्योंकि गांव में बच्चे जो थे उनमें लोकप्रिय जो थे रहते थे बिल्ले रहते थे, बाप बिल्लो दे दो, बाप पर्दा दे दो, बाप बैनर दे दो, ये रहता था, तो कम से कम वो तो सारे माहौल में जो परिवर्तन हुआ है, और उम्मीदवार के लिए एक ये जो अच्छी स्थिति रही कि उसको जो भारी भरकम राशि उस कामों पे खर्च करना पड़ती थी वो अब ये खर्च करना नहीं पड़ती है। और ये जो कांग्रेस, मतलब सुधीर जी को तो पत्रकारों के बीच में आना भी नहीं पड़ा, अभी ये तो पत्रकारों के बीच में आए भी, पर आए भी कब आए तो उनके जो सलाहकार थे उन्होंने मतलब केवल हफ्ते भर पहले की सलाह दी पत्रकारों के बीच में जाने की, अपने परिचय देने की अलग। तो इस प्रकार जो कांग्रेस ने चुनाव लड़ा वह अब ये उनके प्रदेश स्तर पर समीक्षा का विषय है, तो उन्होंने क्यों इस प्रकार की शिथिलता के साथ लड़ा है या उनका तरीका उन्होंने यही रखा था, या वो आगे वो बताएंगे जब चुनाव परिणाम आए। तो ये आपने देखा कि जो मंदसौर के पत्रकारों से हम लोग जो बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो एक माहौल जो बना है वो जो कांग्रेस के जो नेता यहाँ से खड़े हुए थे, दिलीप सिंह गुर्जर जहाँ से खड़े हुए थे, तो उनको लेके कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ही था स्टार्टिंग से। तो अब हम दूसरे मुद्दे पर आते हैं, बात करते हैं। राणा जी एक बात बताइए, आपको इतने साल हो गए पत्रकारिता करते करते, जो नया जमाना है, जो हाईटेक चुनाव हुआ है, तो इस पूरे चुनाव में आपको हाईटेक क्या लगा है? जैसे मोबाइल से इंटरनेट का यूज काफी हुआ है, या जिस तरह प्रचार के तौर तरीके बदले, आप क्या कहेंगे?
देखिए सोशल मीडिया से लगा के जितने भी ये जो हाईटेक टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को अपनाने में बीजेपी कहीं आगे दिखी। बीजेपी ने साइको एक वार रूम भी बनाया और वार रूम में सोशल मीडिया पे पल पल पे अपडेट होते रहे वो, और लोगों को अपने मुद्दों को अपने विचारों को फैलाने में सोशल मीडिया का एक तरह से उन्होंने इतना नेटवर्क बुना कि लगभग हर मतदाता तो नहीं लेकिन मेजोरिटी हो जाना चाहिए बहुतायत में वो अपनी विचारधारा को फैलाने में कामयाब रहे, जबकि कांग्रेस इस मामले में कहीं पीछे रही। उनके वित्तीय संसाधन भी कमज़ोर थे, उनके पास में वो जो विजन होना चाहिए वो विजन भी नहीं था, और बीजेपी के पास में सुनियोजित प्लान रहता है, और एकमात्र भी है इनके कोई एक स्टेटमेंट जारी होता है या कांग्रेस का कोई नेता है कोई गलती करता है तो उसको उसका काउंटर कैसे करना है और काउंटर करके मोदी से लगाकर नीचे या मंडल अध्यक्ष तक कैसे करना है वहाँ तक एक ही मैसेज जाता है और वो करते हैं। तो इस सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे मंदसौर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस की बनिस्बत बीजेपी सोशल मीडिया के मामले में और ये जो आधुनिक टेक्नोलॉजी चाहे मोबाइल की बात कहें चाहे फेसबुक की बात कहें चाहे इंस्टाग्राम की बात करें इस सब में बीजेपी कहीं ना कहीं दिखाई दी, कांग्रेस यहाँ कमजोर दिखाई दी। शायद ये आपसे जानना चाहूँगा कि जो महिलाएं थी उनकी वोटिंग को लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या महिलाओं ने इस बार ज़्यादा वोटिंग की है या जो रेशो रहा है उसको किस तरह से आप बताएंगे? जी आकाश जी, मैं कुछ समय पहले ही इसी चीज़ की स्टडी कर रहा था और जो एक मंथन किया है मैंने अपने संसदीय क्षेत्र का उसमें साफ तौर पर यह निकल कर आया है और हम कवरेज के दौरान भी फील्ड पर मौजूद थे तो जिस तरह से युवा और महिलाओं की जो लाइन मतदाताओं की लाइन पोलिंग बूथों पर लगी हुई थी तो उसमें अधिकतर यह देखा गया था कि महिलाओं की कतारें ज़्यादा दिखाई दी थी, युवा कम दिए थे तो वही परसेंटेज के आधार पर। वजह क्या मानते हैं आप महिलाओं की इतनी ज़्यादा संख्या होने की वजह क्या मानते हैं? वजह यह है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी जिस तरह से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने जो महिलाओं को योजना दी है लोभ लुहाव ने जो वादे किए और वादों को पूरा भी किया है प्रदेश हो चाहे केंद्र की सरकार हो तो वो इफेक्ट कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर नजर आया था। अजय, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो शासकीय योजनाएं जो है अब जैसे केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही है अब कई तरह की योजनाएं और भी हैं, कौन सी ऐसी योजना आप मानते हैं जो कहीं ना कहीं जो जितने भी वोटर्स थे उनको इफेक्ट किया? देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपने पूछा है क्योंकि अगर हम बात विधानसभा चुनाव की करें जो कि 4-5 महीने पहले हुए हैं तो वहाँ ऐसा लग रहा था कि माहौल जो है वो इस बार कांग्रेस के पक्ष में है लेकिन सरकार बीजेपी की बनी और प्रचंड बहुमत की बनी, लेकिन जब उसके पीछे का निचोड़ निकाला गया तो देखा गया कि जो लाडली बहना योजना थी उसने बहुत असर डाला है और लाडली बहना ने अगर बहुत असर डाला है तो उसी का कारण रहा कि बीजेपी को वोट ज़्यादा मिला। ये तो रही बात विधानसभा चुनाव की, लेकिन अभी आप देखेंगे कि मंदसौर विधानसभा में एकमात्र ऐसी विधानसभा है जहाँ से कांग्रेस पूरे 8ों में से एक जीती है तो ये समझने वाली बात है कि जिस कांग्रेस का माहौल 4 महीने पहले इस विधानसभा में था तो वो 4 महीने बाद इस विधानसभा में क्यों नहीं दिखा, वो कार्यकर्ता वो माहौल कहाँ गया? तो एकमात्र विधायक जो विपिन जैन है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी भी पकड़ या उनकी भी मजबूती इस क्षेत्र में लोकसभा चुनाव को लेकर नहीं दिखी है, जितनी जिम्मेदारी उनकी बनती थी उसके मामले में भी वो खड़े नहीं उतरे। कारण से बता रहा हूँ कि जिला मुख्यालय पर जो माहौल कांग्रेस का 4 महीने पहले था ऐसा क्या हो गया कि 4 महीने में माहौल जिला मुख्यालय से गायब हो गया? तो ये भी एक बड़ा सवाल। तो आपसे जानना चाहूँगा कि जो आप पत्रकार हैं अखबार से जुड़े हुए हैं और काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए जो इलेक्शन कवरेजेस होते हैं जितने सारे होते हैं तो कैसे क्या पॉलिसी रहती है आपकी और किस तरह से आपके जो स्थानीय संवाददाता होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं? मैंने पूरे संसदीय क्षेत्र में काम पॉलिटिकल इफेक्ट क्या रखा? हाँ, 97 से 96 से मैं पत्रकारिता में काम कर रहा हूँ और समय समय पर मैंने भी बदलाव देखे। एक दौर था जब हमारे पास लोग प्रेस नोट लेके आते थे और उनसे हमारा संवाद होता था, उनका मीडिया कर्मी जो भी रहता था मीडिएटर वो हम तक प्रेस नोट पहुंचाता था, नेता भी हम तक सीधे पहुंचते थे। फिर धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, सोशल मीडिया आया, टेलीफोन से वार्तालाप शुरू हुए, हम फोन से समाचार लेने लगे। पहले हम DSR लेने या राजनेताओं से बात करते तो उनसे समय लेते थे, उनके घर जाते थे, उनके बाहर बैठते थे क्या। अब DSR लेने के लिए साइकिलों से जाया करते थे, मोटरसाइकिल से जाते थे, फिर फ़ोन लगा के हम समाचार लेने लगे क्योंकि हमको पूरा जिला कवर करना पड़ता है कि भाई क्या हुआ हर घटना के लिए। मैं आप क्या मानते हैं राजनीति जो है उसमें पत्रकारों तो की क्या वैल्यू मानते हैं जो नए पत्रकार हैं उनकी? पत्रकारों की वैल्यू पहले भी थी, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगी। उसके पीछे कारण बताता हूँ। यदि आप जेन्युइन तरीके से कोई भी कार्य करेंगे तो स्वाभाविक है आपको सम्मान मिलेगा, आपका काम दिखता, आपको कर्म करना पड़ेगा। इसमें भी गीता का सिद्धांत लागू होता है, कर्मण्य
कर्मण्य वाजिका रस्ते मा फलेषु कदाचन, जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। हम कर रहे हैं 97 से, मुझे 27 साल पत्रकारिता में हो गए, मेरे से भी वरिष्ठ मुझे जानते हैं और मेरे कनिष्ठ मुझे जानते हैं। थैंक यू महावीर जी, आपसे शॉर्ट में पूछना चाहूंगा कि जो वर्तमान राजनीति है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए ये बात सही है कि जैसे हर तरीकों में बदलाव आया, चुनावों में बदलाव आया, चुनाव लड़ने के तरीकों में बदलाव आया, संसाधनों में बदलाव आया, वैसे निश्चित तौर पर राजनीति में भी बदलाव आया है। अब मुद्दे जो हैं, पहले मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन आप देखिए कि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि मुद्दे कांग्रेस जो बीजेपी की नेगेटिविटी है या जो उठाना चाहिए उनको उतनी बेहतर तरीके से, चाहे वो विधानसभा चुनाव ले लो चाहे लोकसभा चुनाव, अभी हमने देखा है मुद्दे कहीं ना कहीं गौण होते हुए दिखाई दिए। ऐसा नहीं कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र में मुद्दों की कमी थी या कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं थे या बीजेपी को बैकफुट पे लाने के लिए उनके पास कोई नेग्लिजेंसी नहीं थी बीजेपी की, लेकिन वो उन मुद्दों को पब्लिक तक पहुंचाने में नाकामयाब रही। और जो राजनीति है वो इतनी आधुनिक हो गई है कि अब प्रचार प्रसार का जो माध्यम है वो आधुनिकता की तरफ ज्यादा चला गया है, क्योंकि पहले झंडा तोक के और गली गली प्रचार किया जाता था। आप देखिए कि इतना बड़ा संसदीय क्षेत्र, मुझे लगता है कई क्षेत्रों में अभी तक दोनों ही पार्टी के जो लोकसभा प्रत्याशी थे वो पहुंचे ही नहीं। तो ठीक है, मैं हमने राय देखी, आपने जाना कि जो मंदसौर के पत्रकार हैं वे क्या सोचते राजनीति को लेकर, मीडिया को लेकर उनकी राय आपने जानी और आपने सुनी है। जहां तक सवाल राजनीतिक पहलुओं का है तो कहीं ना कहीं राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है और साथ ही साथ जो हाई टेक्नोलॉजी है वो भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हुई है। आकाश चौहान, मंदसौर, MP तक।